नेपाली बोल्नु पर्छ भन्नु नेपाली हामी नेपाली नै जाने हामी हिन्दी नै जाने अभी सब मैं काठमांडू में हूँ और आज काठमांडू में मेरा दूसरा दिन है और मैं जा रहा हूँ ना नागरकोट जा रहा हूँ। तो नागरकोट जा रहा हूँ और ना थोड़ी दिक्कत आ रही है यार, पैसे में पर कैश उतना ज़्यादा है नहीं, करीब 1500 रुपये बचे हैं नेपाली रुपीज़, वो अराउंड होगा 7-7.5 रुपये हैं और इंडियन रुपीज़ मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं और ना पैसे निकालने में बड़ी दिक्कत आ रही है। कार्ड वगैरह तो मेरा चल नहीं रहा है, डेबिट कार्ड में पैसे हैं वो दिखा नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा है और मैसेज वगैरह आ नहीं रहा है, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर देखते हैं मैनेज करेंगे, चलते हैं। फिलहाल अभी आज नागरकोट पहुंचना है, यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे कैंपिंग वगैरह का प्लानिंग किया हुआ मैंने। नागरकोट जा रहे हैं तो मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ इस बार, मुझे एक आंध्र प्रदेश से एक भाई साहब हैं वो मिले, तो हम दोनों साथ में ही जा रहे हैं, क्योंकि मतलब उन्हें भी जाना था मुझे भी जाना था, तो हमने कहा चलो हम साथ में ही चल जाते हैं। रात को थोड़ा लेट सोए थे ना, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए, क्योंकि अभी टाइम जो है 12 बज चुके हैं और मुझे लगता है आज शाम हो जाएगी, 3 तो बजना है, 3 बज जाएंगे नागरकोट पहुँचते। देखते हैं फिर जो भी रहेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा, और फिलहाल तो अभी जा रहे हैं कुछ खाना पीना खा लेते हैं, क्योंकि रास्ते में पता नहीं मिलेगा कि नहीं, खा पी के फिर ही निकलेंगे। ये देख लो आप, काठमांडू की गलियाँ ऐसी कुछ हैं, ये अभी हम थैमेल में हैं, यहाँ की जो मार्केट वगैरह है इस तरह की हैं, और इलेक्शन की वजह से ना रात को ये लोग बंद करा देते हैं, और कल इलेक्शन है, कल 20 तारीख है, तो कल इलेक्शन है, तो इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह बंद हो जाएगा, क्योंकि वोट वगैरह डलेंगी ना। अभी क्या यार, हम ना खाना ढूंढ रहे थे, वो एक कल हमने एक रेस्टोरेंट में खाया था, एक वेस्टर्न नाम से एक रेस्टोरेंट था, काफ़ी अच्छा था, मतलब सस्ता खाना मिलता है वहाँ पे, 200 रुपये में, 150 रुपये में शाही पनीर वगैरह ऐसे मिल जाती हैं, तो वहाँ पे खाया था हमने, तो बस वही जा रहे थे, तो लेकिन आज वो बंद है इलेक्शन के करके, काफ़ी मार्केट वगैरह बंद है, तो अब दूसरी जगह जा रहे हैं, और इसी रास्ते में हमारा बस स्टैंड भी है जहाँ से हमें बस मिलेगी, तो बस जा रहे हैं, एक और है रेस्टोरेंट वहाँ पे खाना खाएंगे और फिर सीधा बस स्टैंड चले जाएंगे। नहीं शो नहीं कर रहा ना पैसे तो हैं अकाउंट में पर शो ही नहीं कर रहा, अब रहने दो, कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी जा रहे हैं, एक दूसरा रेस्टोरेंट है वहाँ पे जा रहे हैं खाना खाने के लिए, फिर वहाँ से खाना खा के फिर आगे निकल जाएंगे हम बस स्टैंड के लिए, नागरकोट के लिए, और नागरकोट जाने के लिए हमें ना बस चेंज करनी पड़ेगी, भरतपुर जाएंगे, भरतपुर से फिर दूसरी बस पकड़नी पड़ेगी, जहाँ से 90 मिनट का रास्ता बता रहा है, तो आप मान लो दो घंटा वहाँ से भी लगेगा और एक घंटा यहाँ से, तो 3 घंटा लगेगा हमें नागरकोट पहुँचने के। रेस्टोरेंट है, रोड साइड रेस्टोरेंट है, मतलब रोड साइड तो नहीं है, अच्छा रेस्टोरेंट है काफ़ी, ये लुम्बिनी तंदूरी एंड नान हाउस, अच्छा है, यहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, कल खाया था हमने शाम को, तो आज फिर देखते हैं यहीं पे खा के उसके बाद फिर निकलेंगे नागरकोट के लिए। खाना तो खा लिया और अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड, यहाँ पे जो नज़दीकी बस स्टैंड है यहाँ से करीब 500 मीटर की दूरी पे दिखा रहा है, तो वहाँ जा रहे हैं बस पकड़ेंगे और फिर अब निकलेंगे नागरकोट के लिए। खाना खाते हुए इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैं भूख इतनी ज़्यादा लगी थी कि मैं भूल ही गया कि दिखाना भी है, तो ठीक है। मेरे साथ ये हैं आंध्रा के भाई साहब, व्हाट्स योर नेम, सॉरी, श्रवण कुमार, श्रवण भैया हैं हमारे साथ, ही इज़ अ बैंकर, और हम साथ में जा रहे हैं, हॉस्टल में मिले थे, सेम हॉस्टल में मिले थे, तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, जब जाना ही की जगह तो एक साथ ही निकलते हैं। तो अब वो जो कल मैंने आपको दिखाया था ना, जो मेरे साथ वो जैपनीज़ लड़का था, अरितो, ऐसे कुछ नाम था, मैं भूल गया, तो वो भी नागरकोट ही गया, पर वो हमसे जल्दी निकल गया, हम प्लान नहीं कर पाए साथ में निकलने के लिए, तो कोई बात नहीं, वो तो पहुँच गया होगा, हम आराम से शाम तक पहुँचेंगे, फिर वहाँ पे देखेंगे क्या अरेंज करना है, कैसे क्या करना है, और कल वैसे भी कल इलेक्शन है नेपाल में, तो नेपाल बंद होने वाला है, तो हम मुझे लग रहा है कि हम फंसने वाले हैं, पर कोई बात नहीं, फंसेंगे नहीं, कैंप है हमारे पास, कैंप कर लेंगे, वहाँ पे बहुत अच्छी जगह है, कैंपिंग प्लेसेस बहुत सारी हैं, तो कैंप कर लेंगे, देखेंगे, एक अलग ही एडवेंचर रहेगा, मज़ा आएगा, तो चलो फिर चलते हैं आपको, फिर बस स्टैंड पर मिलता हूँ सीधा। ड्राई फ्रूट्स वगैरह, हाय, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं, दाल वगैरह मिल रही है, सब चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, हर चीज़, और वो जो देख रहे हो ना भाई, वो मीट वगैरह है, और मतलब सूखी हुई मछलियाँ वगैरह हैं, वो मैं नज़दीक तो जाने वाला नहीं क्योंकि इन सब चीज़ों से मैं दूर रहता हूँ। तो ये है यहाँ की काठमांडू का ऐसे लोकल मार्केट और एक तरह का, और इधर से जाएंगे तो हम दरबार स्क्वायर चले जाएंगे। फिलहाल हमें इधर सामने जाना है क्योंकि बस स्टैंड यहीं पर है, कुछ थोड़ी नज़दीकी है, 400 मीटर की दूरी पर और रह गया बस स्टैंड, बस वहाँ पे पहुँचना है, तो मैंने सोचा चलो आपको मैं मार्केट वगैरह दिखा देता हूँ यहाँ की लोकल मार्केट कैसी है। हर वक्त यहाँ पे चहल पहल रहती है यार, पता नहीं यार नागरकोट के लिए बस मिलेगा कि नहीं, यहाँ पे जो जिन भी लोगों से मैं पूछता हूँ ना, तो वो यही कहते हैं कि यार कल इलेक्शन है तो नागरकोट के लिए बस नहीं मिलेगी, तो देखते हैं बस मिलती है कि नहीं। जा तो रहा हूँ, पहुँच गए हम बस स्टैंड, ये वहाँ पर जाना है बस स्टैंड पर,
एक जो हमारे साथ जो फ्रेंड था जो जापान का लड़का था वो तो सुबह निकल गया, मेरे ख्याल से बस मिल गई अब, और हम थोड़ा लेट हो गए क्योंकि एक बज गए हैं। अब देखना है एक बजे बस मिलती है कि नहीं, क्योंकि नेपाल में थोड़ा ये है ना कि जिस इलाके में हम जा रहे हैं गाँव साइड में क्या होता है कि बसें बहुत कम चलती हैं, मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं चलती हैं, मतलब दिन में 2 या 3-4 बस ही चलती हैं बस, तो यही दिक्कत है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बस निकल गई हो फिर हम रह जाएँ, फिर मुझे लगता है फिर हम काठमांडू में ही फंस जाएंगे और फिर जा नहीं पाएंगे यार नागरकोट, फिर 2 दिन यहीं पे स्टे करना पड़ेगा। यार यहाँ पे बंदे मिसलीड कर रहे हैं यार, अभी उधर 2 बंदे से पूछा वो कहता आप इधर जाओ इधर बस मिलेगी, फिर एक से पूछा तो वो कहता मेरे पीछे पीछे आओ मैं भी वहीं जा रहा हूँ उधर बस मिलेगी, फिर एक अंकल से पूछा ये कहते यहाँ नहीं मिलेगी आप गलत आ गए आपको पीछे जाना है इधर जाना है। भाई साहब नेपाल में ना यार ये बड़ा बेकार सीन हो रहा है, मतलब लोग थोड़ा मिसलीड करते हैं यार कुछ लोग, मतलब अगर नहीं पता रास्ता तो कम से कम मत बताओ यार, कह दो मुझे नहीं पता है, एटलीस्ट मिसलीड तो मत करो यार। क्या यार इतना 1 किलोमीटर पैदल आगे चले आए हम, चलो देखते हैं ये अंकल जी छोड़ने आए हैं। यार ये गलत चीज़ है, ये अंकल से इनसे पूछा ये ड्राइवर ही है बस ड्राइवर ये बता रहे हैं रास्ता, नहीं अंकल हिंदी बोलो, नेपाली ना जानी, नेपाली नहीं आता, नागरकोट हाँ भक्तपुर नागरकोट, कोई डायरेक्ट बस नागरकोट के लिए नहीं डायरेक्ट नहीं डायरेक्ट ना, अभी वहीं पे था वहाँ से लड़का बोला मेरे पीछे आओ वहाँ पे बस मिलेगा। आप बता दीजिए यहाँ से बता दीजिए हम चला जाएगा। देखते हैं यार अंकल छोड़ने जा रहे हैं, कहीं पता था कि वो अंकल मिसलीड करेंगे, नहीं यार वो अंकल हमें छोड़ने आए थे, ये वाली बस जाएगी बताओ यार। वो लड़के को मैंने पूछा एक लड़के को वो कहता मेरे पीछे पीछे आओ मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तो वो हम मुझे उधर ले गया पता नहीं कहाँ, और ये वाली बस जाएगी नागरकोट जो सामने खड़ी अंकल मतलब वहाँ से रास्ता बताने के लिए आया हमें। देखते हैं पूछते हैं आज ब्रदर नागरकोट जाएगा क्या, नागरकोट जाएगा नागर कहाँ जाएगा, भक्तपुर से मिलेगा ना बस, कितना टाइम लगता है यहाँ से जाने के, 1 घंटा ना भक्तपुर से मिलेगा ना नागरकोट, ठीक है ये है भाई बस सीट मिल जाए उम्मीद कर रहे हैं। हाँ थैंक यू चल सीट तो मिल गई पीछे मिली है, उम्मीद करता हूँ उल्टी ना हो मुझे। वेयर डू वांट टू सिट, हेयर और हेयर, ओके यू वांट मी टू सिट, या आई वांट सम टाइम आई वॉमिट ना। चलो यार एक बैग पैक देखना एक मिनट, वी हैव अ वेरी बिग बैग पैक्स। चलो मिल गई भक्तपुर के लिए तो मिल गई, फिर वहाँ से नागरकोट के लिए चेंज करेंगे उम्मीद करता हूँ बस मिल जाए। भक्तपुर पहुँच गए हैं यार, और अभी जो समय हो रहा है 2:40 हो रहे हैं, और अभी जस्ट अभी भक्तपुर पहुँचे हैं, अब यहाँ से हमें नागरकोट के लिए बस पकड़नी है, और काठमांडू से भक्तपुर के लिए किराया जो था ना 35 रुपीज़ था नेपाली रुपीज़, तो ये अराउंड होगा करीब 15-20 रुपये मान लो 20-22 इसके अराउंड ही होगा जो किराया था, और क्योंकि जो किलोमीटर था वो 20 किलोमीटर से कम था 15-16 किलोमीटर था। तो अब हम जा रहे हैं आगे, यहाँ से हमें नागरकोट के लिए बस पकड़नी है, देखते हैं बस मिलती है कि नहीं और चलते हैं। और अभी समय भी बस ऑलमोस्ट 3 बज ही चुके हैं, तो मतलब मुझे लगता है शाम हो जाएगी यार, और वहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए ये भी दिक्कत है। ये रही बस यार, ये वाली बस जाएगी नागरकोट, हाँ आई थिंक दिस इज़ द बस। एक मिनट बैठना थोड़ा, हाँ नागरकोट ये जाएगा, कितना टाइम लेता है, 3 बजे खुलेगा 15 मिनट बाद ना, चलो सीट नहीं है भाई खड़े होके जाना पड़ेगा। नागरकोट तो नागरकोट पहुंच गए हैं, अभी जस्ट पहुंचे हैं, अभी एक यहाँ पे व्यू पॉइंट है वहाँ पे जाना है, तो देख रहे हैं अभी व्यू पॉइंट देख रहे हैं वहाँ पे जाना है, अगर वहाँ पे हुआ कैंपिंग का जगह हुआ तो कैंप कर लेंगे, अदरवाइज देखेंगे यहाँ पे होटल वगैरह है वहाँ पे रूम लेके रहना पड़ेगा, हम 2 लोग हैं शेयर कर लेंगे रूम, तो उतना एक्सपेंसिव होगा नहीं, तो वैसे मेरे को कैंप करना है, कैंप का मन है, कैंपिंग करना है कुकिंग करना है, तो इस वजह से मैं थोड़ा उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो होटल लेके भी हम रुक सकते हैं। और यही है नागरकोट यहाँ का मतलब सिटी सेंटर कह लो आप, ऐसा कुछ है।
शॉपिंग करने आए थे, थोड़ा बहुत सामान लिया कैंपिंग के लिए, तो नीचे से तो लेके नहीं आ पाए थे, तो यहाँ से खरीद लिया। आज जा रहे हैं कैंपिंग करेंगे, वहीं पे खाना वाना बनाएंगे। क्या बोल रहा है? नेपाल बोलने पसंद है नहीं, नेपाली आमी नेपाली नहीं जानी, हिंदी नहीं जानी। तो कैंपिंग के लिए बस सामान ले लिया और अब बस चलते हैं ऊपर। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, कैंपिंग करेंगे वहाँ पर, खाना वाना बनाएंगे, खाएंगे और फिर कल सुबह निकल जाएंगे काठमांडू के लिए। तो चलो बस फिर, ठीक है ये। और ये यहाँ का ना लोकल सुपरमार्केट है, मतलब अगर आप लोग आते हो तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, ठीक ठाक है, रीजनेबल प्राइस में काफ़ी सारा सामान मिल ही जाएगा। जैसे ऐसा है, ये पे बिस्किट मिलेगा, चॉकलेट मिल जाएगा, काफ़ी कुछ मिल जाएगा, ठीक ठाक ही है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है। टैक्सी ले लिया यार, 500 लग रहे हैं हमारे टैक्सी के। आज इंडिया से बांग्लादेश? हाँ जी। आप कहाँ से हैं? इंडिया से है हम लोग। आप लोग तो यहीं का है, लोकल है? हाँ लोकल। okay. आपका नाम भैया? मेरा दीपक। दीपक, आपका क्या नाम है? मेरा नाम गोविंदा। गोविंदा, अरे वाह गोविंदा जी। तो ये गोविंदा भैया और ये दीपक भैया हैं, इनकी टैक्सी में, इनकी टैक्सी में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे है वो व्यू पॉइंट जो टावर है, तो अब पैदल तो जा नहीं सकते, ट्रैक कर नहीं सकते, तो फिर हमने सोचा चलो टैक्सी में ही चले जाते हैं। और कुछ इस तरह का नज़ारा है, शाम होने को आ रही है, दिन ढल चुका है, ढल चुका नहीं है, दिन ढल रहा है धीरे धीरे। और एक मिनट आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ से। और ये देखिए बिल्कुल रोड काम चलता है ना भाई? रोड 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 का काम, पूरा रोड ऐसा ही है क्या वहाँ पे? अभी न्यू बना रहा है। अच्छा अच्छा, अभी कितना टाइम लगेगा यहाँ से पहुँचने में? 10 मिनट 12 मिनट। लेकिन देखो ना ऊपर है ना वो टॉप पे। हाँ, टावर कहाँ पे है? कौन सा टावर? वो एकदम टॉप पे है या फिर वो जो फ्लैग वाला लाइन में दिख रहा वो है? वो फ्लैग से ऊपर है ना, जो ऐसा दिख रहा है। अच्छा अच्छा, उसे ऊपर। हाँ हाँ, वी आर स्पीकिंग अबाउट नॉट दैट टावर, फाइन टावर है फ्रॉम हियर। नियरली पहुँच गया ना यहाँ पे बेस, सॉरी नागरकोट तो पहुँच गए हैं। ये व्यू पॉइंट है यहाँ का, हिल टॉप का, कुछ इस तरह का है। यहाँ से व्यूज़ वगैरह आते हैं, ज़्यादातर लोग सनसेट और सनराइज़ देखने के लिए आते हैं। तो ये देखो अभी सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में, ये देख सकते हो आप, थोड़ी देर में हो जाएगा मतलब। और ये देखिए हिमालय आप देख सकते हैं यहाँ से, सुबह बहुत सही नज़ारा आएगा, क्योंकि अभी थोड़ा क्लाउडी है ना वेदर, तो इस वजह से उतना विजिबल नहीं है उतना बढ़िया से। और यहाँ पे टॉप पे भी जा सकते हैं, टॉप पे जाके यहाँ से भी देख सकते हैं, पर अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है तो मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो बाकी आप देख लो यहाँ से ऐसा कुछ है नज़ारा, इसमें गोप्रो में तो नहीं दिख रहा होगा, बट सुबह कोशिश करूँगा आप लोग को दिखाने की। सोच तो रहा हूँ इधर कैंप करूँ, पर कैंप साइड नहीं है यार यहाँ पे। तो यहाँ पे है एक जगह, कर सकते हैं कैंप, पर थोड़ा दिक्कत है।